नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति भाग दो पढ़ेंगे। जैसा कि भाग एक में हमने आपको सारी चीजें बता दिए थे और भाग दो में उसके आगे का जो सवाल है हम आपको समझाएंगे बताएंगे। और ये जो वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, आप इसको देखिए और समझिए। जो बातें न समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोण ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो ये हमें प्रूव करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है, तो जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कैसे लगेगी सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसा कि हम बना रहे हैं समकोण त्रिभुज बना लिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे सवाल देखिए सवाल के हिसाब से आपको चलना है। जो सवाल बोली जाए, जिस सवाल में जो चीजें बोली जा रही हैं आप उस हिसाब से इसको सॉल्व करिए। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कहने का मतलब कोण ए और कोण बी जो 90 अंश नहीं है, तो इसके अलावा आपके पास तीन कोण है, जैसे आप कोण ए कोण बी ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, जैसा कि 90 अंश से छोटा है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से जो छोटा हो, ठीक है। तो अब इसके बाद बोला गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, यही आपको प्रूफ करना है। तो इसमें करना क्या है, कोण सी जो है आपका 90 अंश होगा, ए और बी जो न्यून कोण बताया है तो कोण सी क्या होगा, 90 अंश होगा। तो से हम क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज बना लिए, अब हमें क्या करना है, जो सवाल में जैसे बोला गया है उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। कॉस ए बराबर दिया, पहले कॉस ए कॉस ए बराबर क्या होगा, हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या हो गया, ये आपका देखिए आधार ए और सी आधार हो गया, और कर्ण क्या हो गया ए और बी। कॉस ए का मान निकल गया, अब कॉस बी का मान निकालना है। तो कॉस बी बराबर, अब देखिए ये कोण बदल गया, यहां पे ए था और यहां पे बी हो गया, तो ये चीजें आपका बदल जाएंगी, लंब और आधार ये आपका बदल जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था बताया था, अगर आप उस वीडियो को पार्ट वन नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी कॉस थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना हो गया बीसी हो गया, और कर्ण कितना हो गया ए बी। समझिएगा कि हम आपको बताएं, जब कोण बदलता है तो लंब का आधार हो जाता है, आधार का लंब हो जाता है। इस हिसाब से इसका आधार कितना हो गया बीसी, ये वाला आधार हो गया और ये वाला लंब है, ठीक। अब चलते हैं सवाल जैसा बोला गया प्रश्नानुसार बोला क्या गया, कॉस ए बराबर कॉस बी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी को हम कर सकते हैं, कॉस ए का मान कितना है ए सी बाई ए बी, और कॉस बी का मान क्या है बीसी बाई ए बी। देखिए अब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, क्या बराबर है एसी और बीसी आपस में बराबर है, एसी और बीसी ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है, तो इसलिए सम्मुख कोण इसके क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि एसी बराबर बीसी तो सम्मुख कोण सम्मुख कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। जब सम्मुख कोण बराबर होंगे तो आमने सही आपका हो गया एक कोण ए बराबर कोण बी। दोस्तों यह हो गया प्रूफ, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं प्रूफ। अब ध्यान दीजिएगा इस सवाल को अगर समझना है तो आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। कॉस ए बराबर कॉस बी, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय सॉरी समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना के कॉस ए और कॉस बी का मान निकालेंगे, और प्रश्नानुसार जैसा बोला गया है उस हिसाब से हम दोनों को बराबर कर देंगे। हमें यहाँ पता चल रही है कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है, ए सी और बी सी बराबर है। तो ये जब भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। अब सवाल नंबर सात हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों प्रश्न संख्या सात, प्रश्न संख्या सात में दिया क्या गया है, प्रश्न संख्या सात में दिया गया है कॉस थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा अदर ब्रैकेट में 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा सॉरी 1 - cos थीटा। सेकंड वाला है cot² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जितनी सवाल आपको बताई जा रही है
सारी सवाल डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए सवाल को कैसे लगाया जाए, तो इसमें देखिए आप एक पहला काम तो यह समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, जैसा कि हम बना लिए हैं। समकोण त्रिभुज के बाद आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में जो सवाल में दिया गया है पहले उसको हम देखते हैं, समझते हैं। सवाल में दिया क्या गया है, कॉस थीटा बराबर 7/8, तो हम लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर 7/8। जैसा कि हम कॉस 7/8, तो 7/8 का मतलब कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। यहां पे हम 7 को आधार जानेंगे और 8 को लंब जानेंगे, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं शॉर्ट में। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है आपका 7 और लंब कितना है आपका 8। क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने का मतलब आप जब तक आप तीनों भुजाओं का मान नहीं जाने रहेंगे तो आप इस तरीके का त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई सवाल नहीं लगा सकते। तो पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप सबसे पहले तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम इस भुजा में देख रहे हैं कि इस सवाल में कि लंब दिया है आपका, आधार दिया है, तो कर्ण हमको ज्ञात करना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपको पिछली सवाल में सारी बातें बताए हैं। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस बेस पर हम इसको सॉल्व करते हैं, कर्ण का मतलब ए बी का होल स्क्वायर बराबर लंब का मतलब 8 का, आधार का मतलब 7 का होल स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ये 64 हो गया, ये हो गया 49, दोनों को एड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 113, और इसका पूरा वैल्यू मिलेगा आपको 113 रूट में। तो इसका मान कितना हो गया, रूट 113, इसका मान कितना हो गया, रूट 113। तो हमारा पहला काम क्या है कि अब सवाल को ज्ञात करना है, तो इस सवाल में जो चीजें आपको दी गई है, साइन कॉस काट, काट को तो हमको पता है, काट का यहां दिया ही है, तो साइन और कास का मान हम ज्ञात करेंगे। साइन और कास का मान ज्ञात करके इसमें सवाल में मान रख देंगे, और काट का मान हमको पता है दूसरी सवाल में इसमें रख देंगे, सारी सवाल सॉल्व आराम से हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब है आपका 8 और कर्ण है आपका कड़ी में 113, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार आपका 7 है, कर्ण आपका है कड़ी में 113। तो मान हम निकाल लिए, ठीक है, मान आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सवाल में इस सवाल को लिख कर, पहली सवाल है, इसमें क्या करेंगे, मान हम सारे मान इसमें रखेंगे और इसका आंसर ले आ देंगे। जैसा कि दोस्तों सवाल, पहला सवाल है इसमें सातवीं का पहला, 1 + sin θ, 1 - sin θ आपको बताएं, और ये साइन थीटा बराबर मान निकाले 8/13, और कॉस थीटा बराबर 7/113। तो अब इसमें क्या करने गया, मान रख लेंगे सवाल में, तो रखते हैं मान, तो 1 + 113 पूरे का बटा 113। दोस्तों मान हम इसमें रख लिए, ठीक है, साइन और कास का मान किसमें रखे हैं, सवाल नंबर फर्स्ट में। मान रखने के बाद अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये कोई फार्मूला है, तो फार्मूला है वर्गांतर का, एक कोष्टक में a+b दूसरे में a-b, तो इसका फार्मूला होता है a² - b², तो इस बेस पर हम इसको तोड़ेंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, ये a है और ये b है, ठीक है, तो इस बेस पर आपका एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 8/√113, ठीक है, तो सिंगल होल स्क्वायर होगा, और इसका भी आपका सिंगल होल स्क्वायर, जैसा कि फार्मूला के अनुसार ये नीचे वाले का भी हो जाएगा, अब इसको देखें सॉल्व करते हैं, एक का स्क्वायर आपको एक मिलेगा, माइनस इसका हो जाएगा 64/113, क्यों 64/113 होगा, 8 का तो वर्ग हो गया 64, 113 का वर्ग होगा तो कड़ी हट जाएगी, सिर्फ क्या होगा, कड़ी हट जाएगी, किसी भी संख्या का अगर रूट में है उसका वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, ये आप नियम याद रखिएगा। इस प्रकार से नीचे वाले का हो जाएगा 1 - 49/113 बटा 1/1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका 113, ये हो गया 113 माइनस 64 पूरे का होल बटा, ये यहाँ पे निशान लगाइएगा, और इसका हो जाएगा 113 माइनस 49 113। ध्यान दीजिएगा ये एलसीएम है, भिन्न का घटाना है, एलसीएम लेके आप लगा सकते हैं। अगर आपको एलसीएम या भिन्न का घटाना या जोड़ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो इसमें से घटा लिया कितना मिल गया आपका 49, और 49 बटे 113 और पूरे का बट्टा इसमें से घटा लिया कितना मिल गया 64 बट्टा 113, इसमें से ये घटा लिया 64, नीचे वाला बट्टा तो 113 है। अब देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, भिन्न का भाग है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो मिल जाएगा क्या 49 बटे 64। ये आपका इस सवाल का आंसर है, ठीक है, 49 बटा 64 इस सवाल का आंसर है। अब सवाल नंबर दो जो कि बहुत ही आसान है, दूसरी सवाल में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं सवाल में ही दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, जैसा कि हम जानते हैं सवाल में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ये कॉट की जगह पर रख के वर्ग कर दे हम इसका मान, तो वर्ग कर देते हैं, मिल गया कितना 49 बटे 64, ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से जो सवाल इसमें जो सवाल में जो बातें आपको न समझ में आई हो, जो बात आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट कीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। तो अब सवाल नंबर 8 में देखेंगे, सवाल नंबर 8 में क्या है, कॉट ए 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a 1 + tan² a = cos² a - sin² a है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो इस तरीके का जब भी सवाल दे तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही सवाल को लगाएंगे, अन्यथा लगा नहीं पाएंगे। तो हम पहला काम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज में नामकरण कोई भी दे सकते हैं, जब इसमें नहीं दिया है तो ABC दे दीजिए। सवाल में दिया क्या है उसको पहले हम लिखते हैं, दिया गया है 3 cot a = 4 3 cot a = 4, तो cot a बराबर क्या मिल जाएगा हमको 4/3, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो ठीक है, तो आधार बटे लंब, आधार का मान हम रख लेते हैं 4 और लंब का मान हम रख लेते हैं 3, ये लंब होता है आपको बताएं, आधार होता है और क्या होता है कड़ होता है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जैसा कि हमने आपको हर बार बताया है कि तीनों भुजाओं का मान आपको पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी सवाल को इसमें सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके का। तो हमको AC पता है, BC पता है, लेकिन AB नहीं पता है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर का मतलब AB जो कर्ण है इसका होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, तो AB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ये 9, तो AB का होल स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देंगे हम कितना आएगा 25, तो AB का मान कितना हो गया √25, तो AB बराबर डायरेक्ट कितना मान हो गया 5, AB का मान हमको मिल गया कितना 5। तो बार बार हम आपको सवाल में एक चीजें समझा रहे हैं कि इस तरीके से तीनों भुजाओं का मान निकालने के बाद आपको करना क्या है कि जो चीजें इसमें दी गई है सवाल में उन सारे का मान निकाल के सवाल में रख देना है, आपका आंसर आप सवाल लगा लेंगे। तो करना क्या है, इसमें टेन दिया है तो पहले टेन थीटा का मान, टेन लंब बटे आधार होता है, टेन लंब 3 हो गया आधार 4 हो गया, टेन का मान निकल गया, फिर कॉस है तो कॉस का निकाल लीजिए, यहाँ पे कॉस है तो कॉस ए का आधार बटे कर्ण होता है आधार 4 हो गया आपका, कर्ण 5 हो गया। फिर उसके बाद है आपका साइन, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, सबका मान हम निकालें। सबका मान निकालने के बाद आपको करना क्या है, इस समीकरण में आपको पुट अप कर रख देना है मान और आप इसको प्रूव कर लेंगे। तो हम चलते हैं इसमें रख लेते हैं इसका मान, इन तीनों का मान इस समीकरण में, 1 - tan² a की जगह पे 1 - tan की जगह पे आपका हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर ये बटा,
इसके बाद वन माइनस वन प्लस है आपका टेन स्क्वायर है, वही मान होगा 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस ए का मान 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस साइन ए का मान 3/5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है आपको कि ये दोनों टर्म को आप क्या करेंगे, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग भी कर लेते हैं, लेकिन सवाल छोटी होने के नाते हम एक साथ करते हैं, क्योंकि अलग अलग करने से भी कोई दिक्कत नहीं, एक साथ करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, वन माइनस इसका वर्ग 9 और ये क्या हो गया 16 पूरे का बटा, इसका वही चीज प्लस में आ जाएगा आपका बराबर, ये कितना हो गया 16/25 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 9/25। तो अब इसके बटे एक और इसके बटे एक लिख सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न का घटाना हो गया है, भिन्न का जोड़ हो गया। तो अगले स्टेप में हमको क्या करना है, तो इन एलसीएम लेते हैं, 16 मिलेगा, एलसीएम 16 हो गया तो क्या हो जाएगा, 16 - 9 और नीचे क्या हो जाएगा, 16+9/16। ये चीज आपको सेम है तो प्लस माइनस में सिर्फ अंतर रहेगा, बाकी कोई चीज इसमें दिक्कत नहीं, बराबर इसमें से घटा लेंगे। देखिए ये हर आपका बराबर है, दोनों 25 25, तो ऊपर वाला घट जाएगा, इसमें से 7 बचेगा और बटा 25। अब ये सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 7 मिला और 16, ये हो गया 25 और ये हो गया 16, तो ये 16 से 16 कैंसिल कर लिए, और ये जो आपका 7/25 रहने दीजिए। अब अगली लाइन में क्या बचा, 7 और 25, तो 7/25 और ये भी आपका हो गया 7/25, दोनों आपका बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया कि इसके बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगले सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी, आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, दिया क्या है टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, मान रखते हैं लंब एक, आधार कड़ी में तीन। अब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर, मतलब एक का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में तीन का होल स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक कड़ी में तीन का स्क्वायर, मतलब कड़ी हट जाएगी, तो ए बी बराबर कितना मिल गया आपको 4, तो ए बी का मुख्य मान कितना हो गया 2, ए बी का मान हम निकाल लिए 2। अब हमको क्या करना है, इसमें जितनी चीजें दी गई हैं सबका मान ज्ञात करना, पहले ए वाले का, ठीक है, साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे लंब हो गया कर्ण 1/2, फिर उसके बाद कॉस ए है तो कॉस ए, कॉस ए का आधार बटे कर्ण, आधार क्या है कड़ी में 3, कर्ण क्या है 2। अब सी वाले टर्म, सी वाले जब कोण बदलता है मान, तो हम आपको बता है कि ये चीजें यहाँ पे हो जाएगी, अब ये नया हो गया और ये चीजें यहाँ पे हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, नया आधार और लंब मिल गया, तो हमको क्या, अब सी के लिए है ना कोण बदलना है, तो कॉस साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया कड़ी में 3, कर्ण कितना हो गया 2, कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 1, कर्ण कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से हम सबका साइन ए कॉस से साइन सी कॉस सी का मान निकालिए। अब इन सारे मान को हम एक एक करके पहली सवाल और दूसरे सवाल में रख के इसका मान हम सॉल्व करेंगे।
सारे मान हम निकाल लिए, अब मान को हम क्या करेंगे, सवाल में रखेंगे। तो पहली सवाल है साइन एक कॉस सी, तो साइन एक के स्थान पे 1/2, पहली सवाल पहले लिख लो, इंटू साइन सी, तो साइन ए का मान 1/2, बीच में गुणे का निशान, कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान कड़ी में 3/2, और साइन सी का मान कड़ी में 3/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए इन सबका, एक एक कम एक, 2 2 4 प्लस इसका आपस में गुणा होगा, सिर्फ रूट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, हर बराबर ऊपर का जोड़ लेते हैं, 4/4, 4/4 का मान कितना हो जाएगा 1, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक, अब सेकेंड वाले पार्ट का क्या है, कॉस ए साइन सी, मान रख लीजिए कॉस ए का मान यहां से कड़ी में 3/2 गुणे कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान यहां से कड़ी में 3/2, गुणा कर लीजिए इसका इसमें गुणा, कड़ी में 3/4 माइनस इसका इसमें कड़ी में 3 2 2 4, दोनों बराबर हैं तो घट जाएंगे 0। ठीक है, सवाल नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे अब सॉल्व कर दिए। अब सवाल नंबर बच अगली है सवाल नंबर 10। तो दोस्तों इस वीडियो में आप इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तब साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें बताया गया दो भुजाओं का मान पी आर प्लस 25 सेंटीमीटर है, तो ये लगेगी कैसे, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले पी क्यू आर, पी क्यू आर में जैसा कि सवाल में बोला गया क्यू समकोण है, तो 90° के स्थान पे क्यू हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब बोला पहले देखिए पी क्यू हमको पता है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं, और बाकी दो भुजाओं का मान हमको नहीं पता है, तो पहली भुजा पी आर क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हम क्यू आर बराबर एक्स मान लिए और पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो हो जाएगा क्या, पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए, पहले हम क्या करेंगे यक्स का मान निकालेंगे, यक्स का मान निकाल कर सभी भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे, तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे तभी हम इन सब का मान हम निकाल पाएंगे। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, जैसा कि पी आर का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इस पर मान रखते हैं, देखते हैं, मान रख लीजिए पी आर का मान यहाँ से, पी आर का मान 25 सेंटीमीटर, 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स कर लिए, और पी क्यू का मान, पी क्यू का मान 5 दिया है तो 5 लिख लिए, क्यू आर का मान आपका दिया है एक्स तो एक्स हम कर लिए, पहले अब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सवाल को ध्यान में रखते हुए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 25 × x बराबर, ये हो गया इसका 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही मिलेगा, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 × 50x बराबर 25 + x2। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे क्योंकि सेम है, बराबर के इधर उधर है तो बराबर होना चाहिए, सेम होगा होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो कट गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको 625, देखिए पहले एक्स वाला टर्म एक साथ में ले लेते हैं, 625 ले लो, उसके बाद माइनस 25 बराबर माइनस 50x को उस तरफ भेज देंगे तो 50x हो जाएगा प्लस में, तो 50x बराबर कितना हो गया, 625 में से 25 घट गया 600,
एक्स बराबर 600/50, एक्स बराबर कितना मिल गया 12, एक्स बराबर कितना मिल गया हमको 12, तो एक्स बराबर 12 तो मान रखते हैं। पी क्यू का पहले मान निकाल, सभी भुजाओं का मान निकालते हैं। पी क्यू बराबर तो हमको पता है 5 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 25 माइनस एक्स है तो कितना हो जाएगा 25 रहने दीजिए, माइनस एक्स का मान कितना है 12, एक्स का मान कितना निकाले 12, तो 25 में से 12 गया आपको कितना मिल गया 13, तो इसकी नई भुजा कितना मिल गई हमको 13, ठीक है। आपको क्या है पी आर, पी आर पी क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान क्या है एक्स है, तो एक्स लिख लीजिए, तो एक्स का मान हम जानते हैं 12, तो कितना है 12, तो ये वाला मान कितना हो गया 12। तो अब हम सारे मान को आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें सारे कोण सेम है, कोण बदलना है नहीं, तो हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन पी बराबर, साइन थीटा बराबर आपको बताया है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 12, कर्ण कितना है 13, और इसके बाद क्या है कॉस पी, कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 5, और कर्ण कितना है 13, जो नया वाला हम निकालें वो, ठीक है। अब इसके बाद टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो टेन पी है तो टेन पी करेंगे, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, ये आपका सवाल नंबर 10 हो गया। तो इस प्रकार से हम सवाल को समझेंगे, एक बार फिर समझना है तो समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मान दिया गया है वो समकोण त्रिभुज बनाइए, जो मान दिया गया है वो मान लिख लीजिए, जो मान अज्ञात राशि है उसको x मान के, और ये आपका 25 माइनस x हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए, यहाँ से आपको x का मान निकालना है, x का मान निकाल कर इन भुजाओं का मान निकालना है। जैसे पी क्यू एक भुजा यहाँ पे आपकी निकल ऑलरेडी ये आपको पता है, और ये आपका पी आर का यहाँ पे 13, और ये आपका क्यू आर का 12, तीनों भुजाओं का मान हमको मिल गया। तो तीनों भुजाओं का मान मिल गया तो ये सारी सारे का मान हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपका ये पहला, ये आपका 8 का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया, 8A, अब या 8.1 बोल सकते हैं, अब 8.2 या 8B का नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है।